तो आज तुम्हारा भाई का गाड़ी दिखाएगा, स्पोर्ट्स कार, फास्ट गाड़ी है जी। मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा देख के, मतलब एक नंबर वाली गाड़ी है जी। बिना वक्त गवाए हम रिवील करते हैं जी, हमारे संग में एक ही है। चूल्हे निकाल रहे हैं। ये आमिर भाई है। हाँ। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एरियन, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो या आज के दिन की शुरुआत हो रही है फिर से हमारे संकु से। सो या अभी टाइम बज रहे है जिस एक, सो आज तुम्हारा भाई का गाड़ी दिखाएगा, थ्री व्हील वाला गाड़ी, फास्ट गाड़ी है जी। मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा देख के। सो बिना वक्त गवाए हम रिवील करते हैं जी, मतलब एक नंबर वाली गाड़ी है जी। मतलब हमारे संकु में एक ही है, थ्री व्हील स्पोर्ट्स कार, जिसमें आप मतलब सामान वगैरह भी ला सकते हैं इजीली। एक नंबर की गाड़ी है भाई साहब। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा भाई साहब, ये देखो है ना थ्री व्हील। सो ये देखो भाई साहब, क्या ही मस्त गाड़ी है। इसका नाम है क्या रखें हम, हो तुम्हारा भाई को नया जॉब मिल गया जी। अभी हम इसमें कुछ सामान वगैरह लाना है, सामान क्या घास वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं भाई साहब। ये देखो घर में बैठेगा तो ये काम करना पड़ता है यार, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। ये देखो थ्री व्हील है ना, ये देखो एक दो है तीसरा, समझ गए ना। तो अभी हम संघ की हेड सेकेंडरी के पास पहुँच गए हैं। देखो भाई साहब, इसके पीछे एक अपना खेत है, शायद उधर क्या बोलते हैं घास वगैरह है। सो उधर से घास वगैरह लाना है। ये देखो ये गाड़ी भी साइड दे रहा है हमें, अपना थ्री व्हीलर स्पोर्ट्स कार, ओनली वन इन संग को वो आ गया। तो ओई होई होई हेड सिलेंडर के लिए अभी बस भी पहुंच गया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार। इनके लिए भी बस वगैरह ही, अपने को पता नहीं था। देखो भाई साहब, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमें इधर जाना है जी, पता नहीं इधर से निकलेगा नहीं निकलेगा। अभी तुम्हारा भाई का गाड़ी यहाँ पे साइड में लगा चुका है जी, क्योंकि यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा था। ये देखो, क्योंकि लोड करके लाएगा तो इधर से नहीं निकलता, इधर से तो निकलता मतलब इधर से आगे जाने का रास्ता है ही नहीं, तो ये ले जाना है जी। और ये देखो खेत वगैरह सब कुछ कर दिया है, और ये अपना खेत है भाई साहब, पता नहीं इसमें और कुछ खाद वगैरह लगाया था जो कि जल्दी कटता है, जल्दी करने के बाद और एक बार लगाया जाता है, वो वाला लगाया था इसीलिए इस पे फिर से हुआ है जी। यहाँ पे रस्सी लग गया और ये सारा ले जाएगा जी। अभी यहाँ पे हम चढ़ा रहे हैं। आज का वेदर बिल्कुल ख़राब है, बारिश आने के चांस है, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, इसीलिए हम ये घास वगैरह कलेक्ट करने के लिए आए थे क्योंकि गीला ना हो जाए। देखो आसमान बिल्कुल ख़राब हो चुका है, थोड़ी देर में बारिश भी हो सकता है, अगर हो गया तो आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं हो गया तब भी दिखाएंगे क्या है। ठीक है जी, इसका मतलब हमारा मम्मी थोड़ा सा मेहनती तो है। ये देखो ये बिल्कुल खाली खाली है, ये खेत देखो हमारा ग्रीनरी, इसमें कुछ ना कुछ तो उगाया है, पता नहीं, मुझे नहीं पता सब्जी है क्या है, घास है शायद, वह ये गायें वगैरह के लिए घास ही है, ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। ये थोड़ा सा वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, मटर जैसा, आप लोगों को पता चल रहा हो तो कमेंट करो। ये देखो जी मकतब कितना प्यारा दिख रहा है, ये है जी मकतब इमाम रजा थंग, मकतब ज़ैनबिया थंग, सॉरी। भाई साहब यहाँ पे थोड़ा घास था वो भी ला दिया, और थोड़ा सा यहाँ भी था वो सब ला के यहाँ पे इकट्ठा किया, बस अभी इसको ले जाते हैं जी और अपना कार में रखेंगे। हो गया पिक ऑफ, हो गया और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा था वहाँ पे जो भी सब कुछ इकट्ठा करके एक दो बार ले गया, ये लास्ट टर्न है जी, और तो है ही नहीं। ओके जी, टाटा बाय 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 बाय, हम इसको ले जाएगा। देखो भाई साहब, तुम्हारा बाइक का गाड़ी फुल लोडेड हो चुका है, थोड़ा सा ओवरलोड भी हो गया है, चलो चलेगा। ये देखो बस अभी हम इसको ले जाएंगे, लेके जाएगा सीधा घर। तो ये देखो भाई साहब, गाड़ी लोड हो गया, बस अभी तुम्हारा भाई एक ही हाथ से चलाता है यार, हमारा भाई का गाड़ी एक नंबर यूनिक है। ये देखो जय बाबा जी। कोई मुझे बोलता है काम नहीं करते, काम नहीं करते, ये देखो कितना काम करते हैं तुम लोग यार,
मुझे बोलते हैं काम नहीं करते, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं काम नहीं करते, घूमते फिरते फिरते बोल। ये देखो हायर सेकेंडरी से लेके आ गया, अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गया, हाफ रास्ता अभी हमने जस्ट कवर किया, सो और 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा घर पहुँचने में, बस व्लॉग में बने रहे। तो भाई साहब फाइनली घर पहुँच गए जी, ये देखो, और अभी मजदूरी का दिहाड़ी ये है जी, मतलब रिटर्न में अभी अपने को ये मिलेगा सिर्फ, इधर से तोड़ तोड़ के खाएगा बस, ठीक है जी। सो मैंने जितने भी उतारा वो सब उधर चला गया यार, और 2-3 ही यहाँ पे है, देखो मैं ये खाएगा अभी, थोड़ा सा अच्छा पका है, अच्छा है, अच्छा है, खुबानी से ज़्यादा ना मुझे ये सीट टेस्टी लगा यार, ये बहुत टेस्टी है, ये इतना टेस्टी। हम इधर आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आया था, क्या लेके, LRC लेके, LRC हो गया लदा और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अभी ये बंदा खुद ही भाग गया यार, ये देखो इसका नंबर, ये रिवील करते हैं हम, ये फ़ोन ही नहीं उठाता यार, क्या बंद है यार ये यार। पहले इसने बोला कि LRC लेके आ जाओ, हम तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह अपडेट कर देंगे, लेकिन ये है ही नहीं, अभी हमारे साथ स्कैम किया, धोखा किया, धोखा। तो पब्लिक स्कूल को ये है मेरा 55 का स्कूल था भाई साहब, क्या बोलते हैं वही LKG UKG से हमने 8 तक इधर पढ़ा था यार, वो यादें, वो पुराने यादें याद आते हैं जी, हमारा 55 बिल्कुल जी स्कूल में गुजारा था जी, 8 क्लास था, हरी साहब बोल के था बस, इतना मारता था उसका मार अभी भी याद आता है, वो बस मारने में माहिर था, पढ़ाने में ठीक ही था मतलब। तो मैडम अभी जाके 2:30 बजे फिर से घर में नहीं आ रहे, ड्यूटी का टाइमिंग होता है 4 बजे तक, पता नहीं यार ये कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यार। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। देखो भाई साहब इसीलिए हमारा लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट में सेकंड नंबर पे आते, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदों को ड्यूटी पे रखा है जी, क्योंकि मतलब ड्यूटी का टाइमिंग खत्म होने से पहले घर पहुंचा, और फ़ोन करने से ये क्या बोल रहा था, वो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं फिर से वापस आऊँ, ये बोल रहा था यार। अभी टाइम 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे वो घर में गए, मुझे तो इतना ज़रूरी नहीं था, इनको ज़रूरी है यार, इनका ये आधार कार्ड वगैरह अपडेट करने के बाद बैंक में कुछ काम वगैरह था, आधार कार्ड और बैंक वगैरह लिंक कर, इनका भी एडमिशन प्रोसेस वगैरह होना था, क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन का, UG का, सो मतलब किसी का मजबूरी भी हो सकती है, जो ड्यूटी टाइमिंग हो वो तो कम्प्लीट करके जाना चाहिए ना। अनएम्प्लॉयमेंट में अभी एक नंबर पर आएगा आने वाले दिनों में, दूसरे नंबर पर तो आता ही है इंडिया में, वो भी यार पता नहीं कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे ड्यूटी पे रखा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। अभी बारिश आ रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा। ओ सिकंदर भाई कैसे हो, सलामकुम। अब आप दोनों क्या कर रहे हो, हम दोनों चुल्ली निकाल रहे हैं। हाँ तुम दोनों डॉन हो क्या, हाँ। ये आमिर भाई है, ये आमिर भाई है, हाँ। इसका नाम तो असगर है, इसका नाम अभी कब से रखा था आमिर, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ। तुम्हारा नाम, मेरा नाम अज्जू है, अज्जू, अज्जू बॉय, अज्जू बॉय, किसने रखा था तुम्हारा नाम, अज्जू बॉय, मम्मी ने, सुना था मोहम्मद रखा था, नहीं। और जल्दी लाओ यार हमारे लिए खुबानी, अच्छा अच्छा पक्का हुआ, पक्का हुआ, हाँ। कहाँ पर है, यहाँ पर, ये लो, ये लो, पक्के पक्के, हाय हाय हाय, थैंक यू, हाँ वेलकम, अभी और ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, अच्छा कितना लाया तूने, खुबानी दिखाओ ना, वो क्या खुबानी कितना लाया, और ये बार के लाया, और ये भी बार के लाया, और कुछ नहीं, ओके। ये देखो कैसा चल रहा है, हमने जो सीड्स वगैरह था ना सब तोड़ दिया, ये देखो भाई साहब इसमें से बढ़िया बढ़िया कच्चा बादाम निकाला। ये रहा हमारा संगो का बाजार, और थोड़ा सा बारिश वगैरह हो गया जी, ये देख सकते हो आप लोग, ट्रैफिक ट्रैफिक भाई साहब।
सो आज का वो लोग कभी एंड नहीं किया था, सो अभी अपन लोग थोड़ा सा घूम घाम के वापस आएगा, अभी बारिश का मजा लेगा। सो आज का वो लोग कहीं पेंट करते हैं जी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हो कीजिए। बाय बाय। हाय, ये भाई कौन है, जाना पहचाना सा लग रहा है। भाई साहब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, गुस्से में पता नहीं। देखो भाई साहब ने आईफोन लाया है, कांग्रेचुलेशंस।